ये तो ऐसा वाकया है कि ये किसी के साथ मिला और इतना मुझे तो जब इसकी इतला मिली तो मैं तो क्या मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़ और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। शहर इक्तदार इस्लाम आबाद में नूर मुकदम के बाद एक और खातून का बेरहमाना कत्ल। सीनियर सहाफी अयाज अमीर की बहू का चक शहजाद इस्लाम आबाद में कत्ल। पुलिस ने शाहनवाज को हिरासत में ले लिया। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर जख्म के निशानात पाए गए। कत्ल की वजह न मिल सकी, फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाहनवाज अमीर की कैनेडियन नयाद सारा से तीसरी शादी थी। अयाज अमीर कहते हैं कि दुआ है कि किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना आए। सीनियर सहाफी अयाज अमीर की बहू सारा के कत्ल की होलनाक दास्तान मंजरे आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक मकतूला सारा की 3 माह कबल शाहनवाज से शादी हुई थी। चंद रोज कबल ही सारा दुबई से पाकिस्तान पहुंची। गुज़िश्ता रोज दोनों में तकरार हुई तो शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज मारी। बेहोशी की हालत में शाहनवाज ने सारा को बाथटब में डाला, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई। अयाज अमीर की साबिक़ अहलिया ने ही पुलिस को वाकई की इत्तला दी। डार की पाकिस्तानी सियासत में फिर एंट्री के इम्कानात रोशन। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका मिल गया। इसहाक डार को पाकिस्तानी पर गिरफ्तार न किया जाए, इसहाक डार वापस आ जाए फिर वारंट मनसूखी को देखा जाएगा। अदालत के रिमार्क। बदहाल मईशत, बढ़ती महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान। अवाम तो अवाम, हुक्मरान भी वज़ीर ख़ज़ाना से नाला। मिफ्ताह इस्माइल का बोरिया बिस्तर गोल। नून लीग की हुकूमत का इसहाक डार को दोबारा से वज़ीर ख़ज़ाना बनाने पर गौर। 7 अक्टूबर तक इसहाक डार की वापसी मुतवक्के। खजाने की जिम्मेदारी इसहाक डार के कंधों पर डाली जाएगी। विफाक के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं, पूरी दुनिया का इन पर एतमाद। साजी का बहरान है, 74 अराकीन की काबीना हो गई। इख्तदार की बंदरबांट अब भी जारी है। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगु। बोले के इसहाक डार आते हैं और डार फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हालात मुख्तलिफ होंगे। इसहाक डार वापस आने के बाद देखेंगे कि किस चीज को ठीक करना है। तवनाई, कॉमर्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर इसहाक डार को उबूर हासिल है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मुल्क के लिए जहाद लड़ने, जो हकीकी आज़ादी है इसके लिए आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आप जहाद लड़ते हैं। और ये है आपकी मुस्तकबल के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए। सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर किसी इंसान ने ज़्यादा अचीव किया है, ना किसी ने पहले किया ना कोई बाद में कर सकता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब ममालिक की एक ही कहानी है कि वहाँ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी नहीं। हकीकी आज़ादी के लिए आप सियासत नहीं जिहाद करते हैं। हकीकी आज़ादी की जंग आपके अपने मुस्तकबिल के लिए है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का स्टूडेंट्स कन्वेंशन से खिताब। बोले कि जिस कौम में कानून की हुक्मरानी नहीं वो तबाह हो जाती है। नामवर डाकू चोर मुल्क पर बैठ जाए तो मुल्क कैसे चल सकता है। इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल ख़त्म हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख निकल आए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। इसहाक डार आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका जाना अब तय है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वार। बोले कि सियासी, इक्तिसादी और समाजी बहरान इंतहा को पहुँच गया है। मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख निकल आए तो अच्छी बात है। गए और अब जिस तरीके से ये नैब को NRO 2 दे दिया गया है और नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं और फिर जिस तरह से प्रोसिक्यूशन बदला जा रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है। इसके ऊपर अभी तक जो रद्द अमल आना चाहिए
अदालती रद्द अमल आना चाहिए या जो इस वक्त सोसाइटी का रद्द अमल आना चाहिए उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। और इसहाक डार का जो आज का फैसला है, और फिर ये कहा जा रहा है एक आदमी जो मफरूर रहा पैसे यहाँ से लेके पाकिस्तान से यूके शिफ्ट कर दिए, जिसके बेटों ने दुबई में अरबों रुपए की जायदाद बना ली, वो वापस आ रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना होगा जो ये लोग जिनको इस वक्त। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का इसहाक डार की वापसी पर इजहार तशवीश, बोले कि जो पाकिस्तान का पैसा लूटकर बरतानिया ले गए वो वापस आकर वज़ीर ख़ज़ाना बन रहे हैं। जिस तरह की क्लीन चिट इन लोगों को दी जा रही है इससे मुआशरा तबाह हो जाएगा। ये हमारा जाती नहीं पाकिस्तान का मसला है। 4 से 5 माह में पाकिस्तान की मईशत घुटनों पर आ गई है। हकीकी आज़ादी की तहरीक अब इस्लामाबाद जरूर पहुँचेगी। इम्पोर्टेड टोला करप्ट मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ और इसहाक डार को बचाने के लिए मैदान में आ चुका। शहबाज हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए नैब में मनमानी तरमीम की। पीडीएम महलाती साजिशें करके मुल्क की आईन और कानून के साथ खलवाड़ कर रहा है। मुशीर इतलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का तंज, बोले कि कौम पीडीएम टोले की खुली चोरी देख रही है। इमरान खान की आवाज पर इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फवाद चौधरी और दीगर को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जब तक आप डीनोटिफाई नहीं होते पार्लियामेंट जाकर अवाम मसाइल पर बात करें। सेक्रेटरी दाखिला 3 हफ्तों में रिकॉर्ड अदालत में पेश करें। अगर रिकॉर्ड पेश ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों। चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह के रिमांड्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। शीरीं मजारी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील अबूज़र सलमान खान नियाज़ी अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह के रिमांड्स। मैंने कहा था ये ब्लैक लॉ हटना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है हमारी हुकूमत एलाइज के साथ थी और हमारे लॉ मिनिस्टर वो थे एलाइड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव। जब हम इस किस्म का बिल बनवा के भेजते थे लॉ के लिए वो कहते थे ये आपका डोमेन ही नहीं है इंसानी हकूक का, ये तो लॉ मिनिस्ट्री का है या ये इंटीरियर का है। इसी वास्ते हमारा जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का बिल था वो भी इंटीरियर को दे दिया और बड़ी मुश्किल से हमने असेंबली से पास करवाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुल्क का दर्द समझ नहीं आता। मैं नहीं कहती कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गद्दार हैं, मगर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों पर सवाल तो उठते रहते हैं। रहनुमा पीटीआई शीरीं मजारी का तंज, बोली कि सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत नहीं, कानून साजी के लिए सेनेट में अक्सरियत चाहिए। 2020 में सेडिशन के कानून को सपोर्ट नहीं किया था। कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई कई साल के लिए सजा काट रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ऐसा ही है। चूँकि एक एतराज़ उठाया गया है तो उसका हल यही है कि मेडिकल बोर्ड नोटिफाई हो और वहाँ जाके वो जो ख्वाजा सरा हैं वो अपनी तयन करवा सकें, अपनी जो भी उनका बारे में लिखा जाएगा। लेकिन शिनाख्ती कार्ड तो बनना चाहिए ना। कोई पतली गली से निकल रहा है तो कोई कई साल तक सजा काटता है। पंजाब में हुकूमत तब्दील हो रही है या नहीं इसका पता नहीं। ट्रांसजेंडर एक्ट का मकसद हर किसी को शनाख्त देना है। ख्वाजा सरा का बिल 2018 में पास हुआ, आज क्यों याद आ गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। इसराइल के हवाले से मुल्क की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान का मसला फलस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। पाकिस्तान मसला फलस्तीन का अक़वामे मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टुक मौक़िफ़,
बोले कि मजकूरा दौरे का अहतमाम गैर मुल्की एनजीओ ने किया जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। बारिश और सैलाब सब बहा के ले गए, लाखों खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हलाकतों में भी रोज बरोज इजाफा, 24 घंटों में मजीद 20 अफराद लुकमा अचल बन गए। मजमुई तादाद 1596 तक जा पहुंची। एनडीएमए के मुताबिक हालिया सैलाब और बारिशों से 13,074 किलोमीटर सड़क मुतासर हुई। 14 जून से अब तक 8,04,998 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 392 पुलों को नुकसान पहुँचा। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का तबाहकुन सैलाब में सैकड़ों अमवात पर इजहार अफसोस। वज़ीरे आज़म ने मुतासरीन की मदद के पैगाम और यूएसएड के सरबराह के दौरे और इमदाद भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया। जो बाइडन का मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़्म का आया था। मिलियंस ऑफ पीपल हु आर शेल्टरलेस, यू नो, रीबिल्ड देयर हाउसेस and send them back to the work in agriculture, in the industry, and start producing. Are going to have debt obligations next month and month after. But Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, मुतासरीन के बहाली के लिए वज़ीरे आज़म की एक बार फिर अमीर ममालिक से आगे आकर मदद करने की अपील। शहबाज शरीफ बोले कि मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब से पाकिस्तान में लाखों अफराद बेघर हुए। सैलाब के सताए जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमें मुतासरीन को वापस मामूल की ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सैलाबी सूरत हाल से निकलने में बैरूनी मदद की ज़रूरत है। जनरल असम्बली इजलास के तीसरे दिन भी आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत की। मुलाकातों में सैलाब की तबाही पर पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। वक्त आ गया है कि इस यकजहती को ठोस अमली जामा पहनाएं। आलमी इमदाद से पाकिस्तान को सैलाब से होने वाले बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब की तबाहकारियों की जानिब दुनिया की तवज्जो करवाएंगे। वज़ीरे आज़म आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद की भी अपील करेंगे। कोरोना वबा के बाद अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का ये पहला इजलास है। Had just reached our IMF agreement and were hoping to be able to enjoy a short space of economic relief. Now that entire IMF deal with Pakistan, all the figures, all the estimates, that too has been washed away by the floods. वज़ीरे ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान को तारीख के बड़े सैलाब का सामना है। सैलाब की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। आईएमएफ से रिलीफ के लिए बात करेंगे। मैं अपने लोगों के लिए इमदाद नहीं इंसाफ की बात करूंगा। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस कंडीशन में नहीं है आईएमएफ की प्रोग्राम के अंदर, और जो हमारे पास लिमिटेड डॉलर्स हैं कि जिसके अंदर हम मार्केट में इंटरवेंशन करें। अब डॉलर पूरी दुनिया में हर करेंसी के सामने बढ़ रहा है। पाकिस्तान का कोई क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क का परसेप्शन बढ़ा है। हम डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन उसका परसेप्शन बढ़ा है, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन खुद ब खुद थोड़े दिनों में इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा।
इस वक्त सैलाब जदगान के लिए पैसे चाहिए। IMF की MD से मुलाकात में शराइत में नरमी का कहा है। वर्ल्ड बैंक से भी बात हुई है, इस साल मजीद $2 बिलियन ले लेंगे। इमरान खान की वजह से IMF मुआहिदे में रहना पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, बोले कि सैलाब मुतासरीन के फंड में करप्शन की बात बेबुनियाद है। इमरान खान की जरा सी धमकी होती है फिर गिड़गिड़ा कर मुआफियाँ मांगते हैं। तमाम मेडिकल केयर जो है और जो मेडिसिन की इस वक्त ज़रूरत है, जो एक हेल्थ डिज़ास्टर हुआ है उसके ऊपर अपील है। फिर सर्दियां आ रही हैं, इसमें कंबल, केस, शॉल्स, गर्म कपड़े, जो जो जिस तरह देना चाहता है, चाहे वो NDMS के थ्रू देना चाहता है जो डिफरेंट स्टेशन के ऊपर है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के थ्रू देना चाहते हैं, चाहे वो खुद देना चाहते हैं, तो हमारे पास जो फील्ड से डेटा आता है, जो फील्ड से इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें बच्चों के दूध की, बच्चों के मिल्क, उसकी बेबी फूड की और गर्म चीज़ों की जो इस वक्त, और टेंटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंध में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। पाकिस्तान में सैलाब के बायस हेल्थ डिज़ास्टर है, अद्वियात की सख्त ज़रूरत है। सर्दियों की आमद है और सैलाब मुतासरीन गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर काविशें बुरोए कार लाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोली कि डेंगू की वजह से पैनाडोल और पैरास्टामोल की खपत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। पूरी कौम को यकसू होकर सैलाब मुतासरीन के लिए अपना काम करना चाहिए। ये मुसलसल पाकिस्तान के अंदर इंतशार और नफरत की सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है कि जब इंसानियत इस तरह सिसक रही हो, आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, आपको अपनी सियासत की फ़िक्र पड़ी हुई है। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में इंतशार और नफरत की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम न मिले। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की गई। पूरी कौम यकसू होकर सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही है। लाखों अफराद बेघर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम मगरबी ममालिक से पैसे नहीं अपना हक मांग रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक आगाही दी। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बोले कि किसी भी इलाके को पानी से ख़तरा नहीं है। सूबे को 5,76,000 से ज्यादा टैंक्स और तरपाल दिए गए हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं कि सूबे से आइंदा एक माह में पानी ना निकाला गया तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वफाक और बलोचिस्तान को एतमाद में लेकर फ्लड पर काम किया जाए। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सैलाब से होने वाले नुकसान का दुरुस्त डाटा जमा करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं जो पीर से सर्वे का आगाज करेंगी। गंदम की आइंदा साल स्पोर्ट प्राइस 4,000 रुपये मुकर्रर की गई है। काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को इमदादी सामान और राशन मुहैया किया जा रहा है। पाक फजाइया सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। तर्जुमान के मुताबिक पाक फजाइया की मेडिकल और मोबाइल मेडिकल टीमें सैलाब जदगान को ज़रूरी तिबी इमदाद फराहम कर रही हैं। मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट्स भी मुतासरीन में बीमारियों की तशखीस के लिए सरगर्म अमल हैं। अहलकारों ने सैलाब जदा इलाकों में फंसे मकामी लोगों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सबतैन खान की मुलाकात। मफाद आमा से मुतालिक कानून साजी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए किए गए इकदाम पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी है और सजा भी मुकर्रर की गई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए जामे प्लान बनाया गया है। मुखालिफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं।